आज हम बनाएंगे कच्चे खजूर का चूरन या फिर अचार। ये इस तरह का होता है। देखिए, ये हमने आधा किलो ले लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब पोंछ लेंगे, इन्हें साफ कपड़ों में डाल के अच्छी तरह से पोंछ ले, इसका पूरा पानी सुखा ले अच्छी तरह से। अब इन्हें हम काट लेंगे इस तरह से, ये निकाल ले इस तरह से, काटे इसका बीज अंदर से निकाल ले। अब इसे इस तरह पतला पतला काट ले इस तरह से, पतला पतला काट ले। सारे खजूर इसी तरह से काट ले। इस तरह से सारे खजूर काट लिए हैं। ये देखिए, पांच नींबू ले लिए, नींबू को काट के इसमें निचोड़ देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। पांच नींबू लिए हमने, पांच बड़े साइज के नींबू का रस डाल दिया है। नींबू देखिए इस तरह से होना चाहिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। नींबू में अच्छी तरह से ये भीग जाना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अगर छोटा नींबू हो तो ज्यादा नींबू ले ले, बड़ा हो तो पांच से छह ले ले। इस तरह से ये हो गया है, नींबू डाल दिया है। अब इसमें ये डालेंगे कच्चा जीरा, ये ऐसे ही डालेंगे हम, गोटा जीरा दो चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच करीब काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा काली मिर्च पाउडर लिया है। काली मिर्च आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अब डालेंगे हम सेंधा नमक, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डालें। दो चम्मच नमक डाला है, एक बार मिक्स करके चख लेंगे। नमक अगर कम लगेगा तो थोड़ा और डाल देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने सेंधा नमक डाला है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आधा चम्मच नमक और डाल देते हैं। सेंधा नमक थोड़ा ज्यादा लगता है नॉर्मल नमक से। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे एक जाली से ढक के, जाली ना हो तो चलने से ढक के धूप में रख दें। जब तक नींबू सूख ना जाए तब तक इसे धूप में रखेंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। कड़ी धूप हो तो ये जल्दी सूख जाएगा। किसी भी पतले कपड़े से या जाली से ढक के इसे धूप में रखें। नींबू का जूस पूरा सूख चुका है, इसे दो दिन की कड़ी धूप लगाई है हमने। ये देखिए इस तरह से पूरा जूस सूख चुका है। इसे एक दिन और धूप में रख दें, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। खाने के बाद एक से दो टुकड़ा खाने से खाना हजम हो जाता है। इसके बहुत से फायदे भी हैं। इसे अच्छी तरह से सुखा के एयरटाइट डब्बे में पैक करके रख लें। इस तरह से ये तैयार हो गया है। इसे थोड़ा और सुखा ले एक दिन, फिर इसे एयरटाइट डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगा, बस इसे अच्छी तरह से सुखा लें। खाने के लिए लगभग रेडी है। घर पर आसानी से इसे बनाएं और खाएं। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।